जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वही पुरानी प्रियंका। तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय व्यूवर्स फ्रॉम माय साइड। बहुत 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 बधाई हो आपको आज लोहड़ी के पर्व की। तो आज मैंने स्टार्ट किया है एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको पता नहीं क्या दिखाने वाली हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है वो। और ये है मेरा बेटा अथर। तो अथर हेलो करो। इसको इतनी शर्म आती है ना, इतनी शर्म, और इसको बिल्कुल नहीं आती। इसके कपड़े देखो एडी, इसको मैंने सुबह नहला के इसके कपड़े वपड़े चेंज करके बिल्कुल फिट बनाया था, और अभी इसकी हालत देख लो। क्या कराई है आपने कपड़ों का? मैंने कुछ नहीं करा। ये किसने करे गंदे? नहीं, मैंने नहीं करे मामा। किसने करे? गुंडे ने। गुंडे ने कर दिए? ओ माय गॉड। चलो फिर बोल दो हाय। हाय, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। बहुत ही गंदे कपड़े पहने हैं। बहुत ही गंदे। गुंडे ने करा है गंदा। बता दो, गुंडे ने करा है, मैंने नहीं करा, बोल दो। गुंडे ने करा है, मैंने नहीं करा। चलो फिर बाय कर दो। तो अभी देखो इसकी बातें सुनी ना आपने कि गुंडे ने इसके कपड़े गंदे कर दिए। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हमारे देहरादून में। आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है मुझे जरूर बताना। और आज आपके लिए एक स्पेशल, एक मिनट, आज आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। उसको अलग से भी शेयर करूँगी और इस ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो ज़रूर देखिएगा और देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग को। नीमो भी वही बोल रहा है। तो आगे चलते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, विटामिन डी लूंगी थोड़ा सा, है ना। उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे और आपके साथ रेसिपी शेयर ज़रूर करूंगी। तो प्लीज़ देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। तब तक के लिए लीजिए, आ गए हैं हम किचन में। और सबसे पहले किचन में मैंने आकर चढ़ा दी थी दाल, जो कि है उड़द की दाल। खिचड़ी बनाने के लिए वही यूज़ करती हूँ मैं, साबुत वाली। तो और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अब बर्तन, जो कि सुबह नाश्ते के बर्तन है, माँज मूँज के रखे थे। तो अभी काम करते करते मैंने सोचा बर्तन लगा लेते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा काम होता है, अगर ये काम निपट जाए तो हमारी जो किचन होती है ना वो लगभग लगभग साफ ही हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बर्तन लगा लेती हूँ, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे आप देख ही रहोगे। और फिर थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करते हैं। तो किचन की साफ़ सफाई करने से क्या होता है कि खाना बनाने में ना मन लगता है, अच्छा लगता है खाना बनाना। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बनाती हूँ। तो नहीं आप नहीं। ये है काली उड़द की साबुत दाल, जिसकी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। एक्चुअली मैंने दाल चढ़ा दी है और ये क्लिप बाद में आई है। किचन की साफ सफाई हो चुकी है, दाल मेरी उबल चुकी है, और यहाँ मैं कर रही हूँ तड़के के लिए तैयारी। फिलहाल तो मैं मटर छील रही हूँ। तो किचन के बाहर हमारा जो पोर्च है वहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल रखा है, तो काफ़ी अच्छी सीटिंग्स हो जाती है यहाँ पर हमारी। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने धूप आती है। और ये मुझे आंटी दिख रही थी सामने ना, तो आंटी कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनसे बात करने लगी थी वहीं बैठे बैठे। तो मटर भी छिल चुका है अब लगभग मेरा, और गिरता ज़रूर है मेरे हाथ से मटर का दाना। प्याज टमाटर मटर सब कट हो चुका है, मटर छिल चुका है, प्याज टमाटर कट हो चुका है। और अब मैं काट रही हूँ लहसुन, उसके बाद हम चलेंगे तड़का लगाने, ठीक है। तो तड़का बहुत स्पेशल तो नहीं लगने वाला है, पर जैसा कि मैंने बताया कि सबकी अपनी अपनी वे ऑफ कुकिंग होती है, तो मेरी अलग है, वो मैं आपसे आज इस ब्लॉग के ज़रिए शेयर करने वाली हूँ। और एंड ऑफ कोर्स एक वीडियो अलग से भी बनाकर ज़रूर डालने वाली हूँ, तो ज़रूर देखना, ठीक है। और आज लोहड़ी है, तो लोहड़ी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे भी ये आज ही पता चला है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ कि लोहड़ी का जो हिस्ट्री है थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि क्या है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा मनाते हैं, पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है। और ये जो सेलिब्रेशंस होती है ये होती है विंटर क्रॉप की, सर्दियों की जो फसल होती है अच्छी होती है ना, तो वो सूरज भगवान को थैंक्स करते हैं कि आपने हमको अच्छी हीट दी,
इन फसलों को इतना अच्छा करने के लिए। तो ये वो फेस्टिवल है जो कि रबी की फसल को की सेलिब्रेशन कहा जा सकता है। और अगर आप एक तथ्य की माने, फैक्ट की, तो मैंने कहीं पे पढ़ा है कि लोहड़ी पंजाब में एक रहते थे व्यक्ति दुल्ला भट्टी नाम के, तो उनकी सेलिब्रेशन है ये, क्योंकि उन्होंने इस दिन बहुत सारी लड़कियों को स्लेव मार्केट में जाने से बचाया था। स्लेव मार्केट आप समझते हो ना क्या होता है, तो वो थे दूल्हा भट्टी, तो उनको एज अ हीरो ही वॉज रिगार्डेड। तो उनकी सेलिब्रेशंस के लिए गीत गाए जाते हैं, है ना, मतलब एक व्यक्ति गीत गाता है और उसके चारों तरफ बाकी सब लोग उसका साथ देते हैं, और फिर मिठाइयाँ बांटते हैं, आग जलाते हैं आग के चारों तरफ। और वो जो दो लड़कियाँ थी ना जिन्होंने, मतलब जितनी लड़कियाँ उन्होंने बचाई थी ना स्लेव मार्केट में जाने से, उसमें से दो लड़कियों के नाम थे सुंदरी और मुंदरी। तो अधिकतर जो सॉन्ग्स होते हैं जो गिद्दे टाइप होते हैं, भांगड़े, जो बोलियाँ डाली जाती है ना, उसमें आपने सुना होगा ओ सुंदर मुंदरी आहो, तो ये उन्हीं दो लड़कियों के नाम हैं जो कि उन्होंने बताए थे। ये मैंने कहीं पे पढ़ा है तो मैंने आपको शेयर कर दिया। और मेरा लहसुन भी हो चुका है डन, और अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ। तो तड़के के लिए मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कैमरा, मतलब मेरा फ़ोन लगा हुआ है, इसका मतलब कि मैं रेसिपी भी शूट कर रही हूँ आपके लिए और सामने से व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो ये रेसिपी आपको कल देखने को मिलेगी मकर संक्रांति पर, तो ज़रूर देखना। और फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही थी। मैंने बाकी तड़के का सामान, प्याज, टमाटर, मटर और अदरक लहसुन सब तैयार कर लिया था। और यहाँ पर बाकी की सारी जो भी प्रिपरेशंस होती है वो सब, और ये देखिए नीमो भी आ गया है यहाँ पे। नीमो को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब भी मैं किचन में होती हूँ ना नीमो मेरे साथ ज़रूर होता है, किसी ना किसी बहाने से आता रहता है कि मुझे पानी चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, और मैं उसको भगाते रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेटिंग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि प्लेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वीडियो के लिए। तो मैं बस वही तैयार करती थी। और आज लोहड़ी है तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सामान लेके आए थे, पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी वगैरह, तो बस उन्हीं की मदद लेकर मैं अपना काम कर रही हूँ वीडियो का। दो दो वीडियो एक साथ बन रहे हैं तो थोड़ा सा होच पोच हो रहा है मुझे। और बस अब मैं जाती हूँ और किचन में देखती हूँ कि क्या हाल है सीटी बीटी के, सीटी लगी है नहीं लगी है। और बन चुकी है, रेसिपी शूट हो गई है मेरी और बाहर उसकी प्रेजेंटेशन की तैयारियां चल रही है, मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो रेसिपी आपको कल मकर संक्रांति पे ज़रूर देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपके साथ अभी इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक छोटा सा व्लॉग है, लोहड़ी है, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ शेयर कर लूँ। और मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ, थोड़ा सा धूप बहुत अच्छी आ रही है, और वहाँ सामने जो टेंट लगा है ना वहाँ पे हमको रात को जाना है, वहाँ पे शादी है। और ये देखो, आ जाओ खा लो पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेबड़ी, पॉपकॉर्न्स, गजक, सब खा लो क्योंकि लोहड़ी है। आ जाओ मेरे घर पे जल्दी से पार्टी करेंगे। और सब बच्चों को मैंने भेज दिया था ऊपर छत में, क्योंकि वो मुझे ना काम नहीं करने देते फिर बिल्कुल भी। तो अगर आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जो कि आप नहीं करते हो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं,
लेट मी टेल यू, आई एम प्रियंका, आई एम हैविंग अ फूड चैनल शेफ बाय हार्ट, जिसमें कि मैं हर हफ्ते व्लॉग करती हूँ। आज लोहड़ी है, स्पेशल है, इसलिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैप्पी लोहड़ी। और जो मैंने छोटी सी जानकारी दी, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से और भी अच्छे व्लॉग्स और भी अच्छी क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके साथ जो तीन ऑप्शंस आते हैं उसमें पहले ऑप्शन को कीजिएगा क्लिक, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके फ़ोन में। तो ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। एक बार फिर से मेरी ओर से हैप्पी लोहड़ी, और मिलूंगी आपके साथ जल्दी ही नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय कर दो निमो, बाय कर दो डैडी। क्या क्या खाना है आपको? ये क्या खाना है जल्दी बताओ, ये खाना है? अच्छा, पहले पहले बोल दो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, बाय बाय बाय।